हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। टॉपिक चालू है हमारा डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। तो ये हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम है। तो अगर पहले वाले प्रॉब्लम्स आपने नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का बना के, वहां से आप सारे वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, डिजाइन ए डबल कवर बट ज्वाइंट टू कनेक्ट टू प्लेट्स ईच 12 mm थिक एंड 3 mm वाइड। द सर्विस लोड इज टू बी ट्रांसफर्ड इज 200 kN। ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में सर्विस लोड दिया है, तो सर्विस लोड अलग होता है और डिजाइन लोड अलग होता है। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमको स्टील की ग्रेड गिवन नहीं है, हमको बोल्ट का डायमीटर गिवन नहीं है। तो बहुत सी चीजें इस क्वेश्चन में हमको अज्यूम करना है। सोल्यूशन पार्ट चालू करते हैं और देखते कैसे हम लोग इसमें अज्यूम करेंगे कि कौन सा वैल्यू हमको क्या लेना है, क्योंकि डायमीटर भी इसमें गिवन नहीं है। तो डायमीटर फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगा डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं। तो गिवन पार्ट पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। 12 mm थिक, तो थिकनेस, तो टी यहाँ पर मिनिमम ही दिया, दूसरा कोई थिकनेस गिवन नहीं है। तो ये जो 12 mm है ये टी मिनिमम ही होगा, हालांकि ये 12 mm थिक मेन प्लेट का थिकनेस है, लेकिन कवर प्लेट का थिकनेस गिवन नहीं है, तो इसको ही टी मिनिमम काउंट करते हैं हम लोग, जो कि है 12 mm। उसके बाद विड्थ दिया है, वो हमारा बी होता है, बी इक्वल्स टू 300 mm गिवन है। और देखो कुछ दिया है क्या यहाँ पे, हाँ सर्विस लोड दिया है। तो सर्विस लोड इक्वल्स टू 200 kN। ध्यान देना, अगर आपने प्रॉब्लम वन देखा होगा उसमें मैंने आपको बोला था कि डिजाइन लोड और फैक्टर्ड लोड हमें चाहिए होता है, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में सर्विस लोड गिवन होगा तो हमें क्या करना है, हम सर्विस लोड को लेकर आगे नहीं जा सकते। हम डिजाइन लोड, अगर क्वेश्चन में डिजाइन लोड दिया है तो ही हम उसको कैरी करेंगे आगे, या फिर फैक्टर्ड लोड लिखा है तो हम लोग आगे कैरी करेंगे। लेकिन अगर सर्विस लोड क्वेश्चन में गिवन है तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 1.5। तो सर्विस लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमको डिजाइन लोड इक्वल्स टू 1.5 इंटू 200, दैट विल गिव यू 300 kN। ये डिजाइन लोड अब हम आगे यूज करेंगे जहां पर भी हमको लोड की रिक्वायरमेंट आएगी। तो हमको अज्यूम क्या क्या करना है, यहाँ पर मैं डायमीटर भी बता देता हूँ। डायमीटर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो डायमीटर फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, टू फाइंड डायमीटर ऑफ बोल्ट, आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है 6.01 अंडर रूट टी मिनिमम। ये है डायमीटर ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ बोल्ट नहीं दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायमीटर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहां से डी निकालो, तो डी इक्वल्स टू 6.01 अंडर रूट टी मिनिमम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रख दो 6.01 अंडर रूट टी मिनिमम कितना है 12, तो इसको सॉल्व करो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो देयरफॉर डी इक्वल्स टू 6.01 इंटू अंडर रूट 12, यहाँ से आपको डायमीटर मिलता है जो कि है 20.81। देखो 20.81 आपको आंसर मिलता है, लेकिन जो डायमीटर होता है वो हम हमेशा इवन नंबर्स में लेते हैं, जैसे कि 16, 18, 20, 22, 24। हम कभी भी 21 नहीं लेंगे, ना ही हम कभी 19 लेंगे, ना ही कभी 17 लेंगे, हमेशा इवन नंबर्स में होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आप 21 नहीं लिखेंगे, आप या तो इसको 22 पकड़ो या तो 20 पकड़ो। तो इतना 22, इतना बड़ा हम नहीं जा सकते, तो हम इसको राउंड ऑफ करके नीचे ही आएंगे, मतलब हम यहाँ से 20 काउंट करेंगे। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट इक्वल्स टू 20 mm। ठीक है ना, डायमीटर ऑफ बोल्ट हम लोग 20 यहाँ से हमको पता चलता है। तो यहाँ से डी नॉट निकाल लो, तो एक बार आपको डी मिल गया तो वहां से डी नॉट भी मिल जाएगा। देयरफॉर डी नॉट इक्वल्स टू, तो डी नॉट के लिए देखो 16 से लेकर 24 अगर डी होगा तो डी नॉट के लिए क्या करना है, डी प्लस टू, तो हमारा 24 के अंदर ही है, तो डी डी प्लस टू कर दो यहाँ पर, 20 प्लस टू इक्वल्स टू 22 mm। तो
तो यहाँ पर डायमीटर फाइंड करना होता है। इस फॉर्मूले से डायमीटर मिल गया तो डी नॉट भी मिल जाएगा। यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखो हमारे अजम्पशंस क्या कहते हैं। ये तो अजम्पशन नहीं होता, जो डायमीटर होता है वो अज्यूम करने की जरूरत नहीं होती। डायमीटर हमको इस फॉर्मूले से निकालना होता है। अज्यूम करने हमको कुछ चीजें, जो कि देखो क्वेश्चन में हमको एफ यू बी नहीं दिया है। एफ यू बी क्या होता है? बोल्ट का ग्रेड। बोल्ट का ग्रेड क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग ग्रेड मानेंगे 4.6। 4.6 ग्रेड मानेंगे तो उसका एफ यू बी कितना होता है? 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना? क्वेश्चन प्रॉब्लम वन में आप देखो यहाँ पर हमको ग्रेड गिवन आता है। क्वेश्चन में ग्रेड गिवन आता है देखो 4.6। तो 4.6 ग्रेड के लिए एफ यू बी की वैल्यू होती है, देखो 4.6 ग्रेड के लिए एफ यू बी होता है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम लोग ग्रेड 4.6 मानेंगे, तो 4.6 ग्रेड माना तो एफ यू बी हो गया 400। और यहाँ पर हमको स्टील का ग्रेड भी नहीं दिया है। अगर स्टील का ग्रेड नहीं दिया है तो आप एफ यू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर मानेंगे। अब ये एफ यू 410 क्या है? वापस से देखो क्वेश्चन में हमको स्टील का ग्रेड गिवन आता है, एफ ई 410 ग्रेड स्टील। लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम एफ ई 410 ही मानेंगे। तो यहाँ पर हमने एफ ई 410 स्टील का ग्रेड माना है। एफ ई 410 मतलब एफ यू इक्वल्स टू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट इसका एमपीए होता है। एमपीए का मतलब ही होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये चीज हमने अज्यूम किया, बोल्ट का ग्रेड और प्लेट का ग्रेड। और चीज हमें क्या चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए, जो कि होता है गामा एमबी, जो कि होता है 1.25। तो ये तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है 1.25। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट चालू करते हैं हम लोग। हमको क्या करना है, डबल कवर बट जॉइंट को पूरा डिजाइन करना है। सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग क्या कैलकुलेट करना होता है, हमको शेयर स्ट्रेंथ कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होती है। देखो शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना है, फिर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो ये आपका फॉर्मूला शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट एज इट इज, वही जो फॉर्मूला है वो सब लिख लिया हमने यहाँ पर। VNSB यहाँ पर रख दिया और गामा MB को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो NN है और NS है वो क्या है? NN होता है नंबर ऑफ शेयर प्लेन इन द थ्रेड, एंड NS क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर प्लेन इन द शंक ऑफ द बोल्ट। तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तब हम NN में ही काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर डबल कवर बट जॉइंट है, इसका मतलब कितने शेयर प्लेन आएंगे? डबल कवर में दो शेयर प्लेन आते हैं। तो हमको मान के चलना है कि दो शेयर प्लेन दोनों भी हमारे थ्रेड्स के अंदर ही है। ये चीज मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 में भी आपको बताया था। देखो इस प्रॉब्लम नंबर 2 में भी हमको कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि शेयर प्लेन कहाँ पर है, शंक के अंदर है कि थ्रेड के अंदर है, ऐसा कुछ गिवन नहीं था। जब ऐसा कुछ भी गिवन नहीं होता है तब हम लोग अज्यूम करते हैं, अज्यूम थ्रेड ऑफ द बोल्ट आर इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दोनों भी शेयर प्लेन हमारे थ्रेड में आएंगे, क्योंकि ये डबल कवर बट जॉइंट है इसलिए दो शेयर प्लेन आएंगे। अज्यूम शेयर प्लेन इज इंटरसेप्टिंग द थ्रेड्स। तो यहाँ पर हमारा डबल कवर बट जॉइंट है, ये अपना बोल्ट हो गया। हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि पूरा बोल्ट जो है अपना थ्रेडेड है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा थ्रेडेड है। और इसमें जो शेयर प्लेन, दोनों भी शेयर प्लेन हमारे थ्रेड के अंदर है। तो ये एक शेयर प्लेन होगा और ये एक शेयर प्लेन होगा, क्योंकि ये डबल कवर बट जॉइंट है। क्वेश्चन में दिया है ना क्लियरली डबल कवर बट जॉइंट। तो यहाँ से क्या हम पता कर सकते हैं कि NN इक्वल्स टू 2, NN इक्वल्स टू 2 एंड NS इक्वल्स टू 0। जब NN में 2 मान लिया तो NS अपना 0 हो जाएगा। तो NS 0 हो गया तो प्लस के बाद वाला AS भी उसको मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा टर्म कट गया। ठीक है, तो चलिए VDS भी कैलकुलेट करो। VDSB इक्वल्स टू FUB। तो FUB कितना रख रहे हैं हम लोग? FUB मान रहे हैं 400। तो यहाँ पर रख दो 400 अपॉन √3। गामा MB कितना होता है? 1.25। हमने NN को ही 2 मान लिया तो 2 इंटू ANB। अब ANB क्या होता है? देखो ANB इक्वल्स टू 0.78 π/4 d². ठीक है, 0.78 इंटू π/4 d² तो डी स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला डी स्क्वायर लिखने से अच्छा डी की वैल्यू रख देंगे। डी कितना है? 20। तो सीधा सीधा यहाँ पर 20 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि अपना फिफ्थ प्रॉब्लम है, अब तक आप यूज टू हो चुके होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से सॉल्व करो, आपको VDS भी मिल जाएगा। आंसर देखो कितना आता है, 9054। ठीक है, 9054
4 4। तो अब तक पता चल गया होगा आपको कि जो VDSB का आंसर आता है वो न्यूटन में आता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग 400 लेते हैं वो क्या है, FUB, और FUB का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी न्यूटन में आ गई, लेकिन हमको चाहिए किलो न्यूटन में, क्योंकि हमारा डिजाइन लोड किलो न्यूटन में है, मतलब सर्विस लोड जो क्वेश्चन में गिवन था वो किलो न्यूटन में था। तो पूरा आंसर हमको किलो न्यूटन में लेके जाना पड़ेगा। तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करो, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 90.54 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर आपको डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ मिल गया। अब चलेंगे हम लोग बेरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं बेरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का क्या है, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। VNPB इक्वल्स टू 2.5 KB DT FU, ये सब बेरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला लिख लिया है। ये सब आपको IS कोड में मिल जाएंगे। VDPB इक्वल्स टू VNPB अपॉन गामा MB, VNPB की जगह पर ये सब रख दिया। तो फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो KB होता है उसके भी अपने चार फॉर्मूलेस होते हैं। तो KB के भी अपने चार फॉर्मूलेस होते हैं, देख सकते हो KB के ये तीन फॉर्मूले होते हैं, ए अपॉन 3D0, PA अपॉन 3D0 -0.25, और FUB अपॉन FU। इसके अलावा भी एक होता है कि 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। KB कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, ये आपको IS कोड में मिल जाएगा फॉर्मूला। तो ये सब हमको अभी KB कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक करके। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला उठाएंगे जो कि है E अपॉन 3D0। तो पहला फॉर्मूला यहाँ से उठाते हैं, E अपॉन 3 × D0। तो दरअसल देखिए, हमने अभी तक E कैलकुलेट किया ही नहीं है, तो ये चीज़ हमको पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए था कि मिनिमम एंड डिस्टेंस कितना होता है और मिनिमम पिच डिस्टेंस कितना होता है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अभी एंड डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम P कितना होता है, मिनिमम पिच डिस्टेंस, देखो मिनिमम पिच डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2.5 × D, ठीक है। तो वहां से मिनिमम पिच डिस्टेंस मिल जाएगा 2.5 × D, और मिनिमम एंड होता है जिसको हम E से कहते हैं। मिनिमम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला देख सकते हो क्या होता है, मिनिमम एंड डिस्टेंस इक्वल टू 1.5 D0। हम मशीन फ्लेम कट के लिए लेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो मशीन वाला ही लेना होता है 1.5 D0। तो 1.5 × D0, तो मिल जाएगा 2.5 × D। डी कितना है अपना, 20, तो यहाँ पर 20 रख दो। तो यहाँ से देखा आपको 50 mm, एंड ई इक्वल्स टू 1.5 × D0 कितना है, 22, तो 1.5 × 22 देगा आपको 33 mm, ठीक है। तो यहाँ से पी मिल गया, ई मिल गया। ये पी एंड ई क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि अपने को जो के भी कैलकुलेट करना होता है वहां पर ई चाहिए होता है, ई और पी की रिक्वायरमेंट आती है। तो ई यहाँ पर हमको रखना है, ई अपॉन 3D0। तो E कितना है, E की वैल्यू है 33 और D0 की वैल्यू है 22, तो वहां पर रख दो 33 अपॉन 3 × 22, 33 अपॉन 3 × 22। तो इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा 0.5, ठीक है। KB का पहला फॉर्मूला हो गया, तो KB का सेकंड फॉर्मूला उठाते हैं अभी। KB का सेकंड फॉर्मूला देख सकते हो, KB का सेकंड फॉर्मूला होता है P अपॉन 3D0 -0.25, P अपॉन 3D0 -0.25। तो यहाँ पर P रख दो, P अब भी हमने कैलकुलेट किया था, इसलिए P और E पहले कैलकुलेट कर लेना था। P इक्वल्स टू 50 रख दो, और D0 तो यहाँ पर हमने D0 रखा था 22, वो हमें पता है। तो 50 अपॉन 3 × D0 इक्वल्स टू 22 -0.25। इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा, तो आंसर मिलता है आपको 0.507, ठीक है, 0.507। अब तीसरा फॉर्मूला KB का, तो तीसरा फॉर्मूला देखो क्या है, FUB अपॉन FU, FUB अपॉन FU। तो FUB कितना है, देखो FUB हमने अज्यूम किया था, FUB 400 और FU है 410, तो 400 अपॉन 410, तो 400 अपॉन 410 देगा आपको 0.97। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। और एक चौथा फॉर्मूला भी होता है KB का, जो कि होता है शुड बी लेस देन 1.0। आप बताओ इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है, ये है 0.97, ये है 0.507, और ये है 0.5। ऐसे देख सकते हो जो सबसे छोटा है वो है 0.5, तो 0.5। तो KB यहाँ से आपको मिल गया। चलिए अभी फटाफट इस फॉर्मूले में रख के VDPB कैलकुलेट कर लेंगे। PB इक्वल्स टू 2.5 × KB, KB की जगह पर कितना रखना है, 0.5, 0.5
इंटू डायमीटर, डायमीटर हमें यहाँ पे कैलकुलेट किया था जो कि है 20, तो डायमीटर हो गया हमारा 20। थिकनेस क्या होता है? टी मिनिमम, टी मिनिमम मैंने यहाँ पर ही आपको बताया था कि 12 रखना है अपने को, तो 12 रखेंगे यहाँ पर 12। एंड एफ यू, एफ यू देखो, एफ यू यहाँ पर हमने लिखा था 410, तो वही से देख लेंगे, 410 अपॉन गामा एम बी। गामा एम बी होता है 1.25, जो अपना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है। इसको सॉल्व करो, आपको वी डी पी भी मिल जाएगा, आंसर आता है 98400। ठीक है, 98400। अब ये भी न्यूटन में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एफ यू जो था वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, तो ये आंसर न्यूटन में आने वाला है, चाहिए हमको किलो न्यूटन में। तो 1 2 3 पॉइंट किसका दो, 98.4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया VDPB का। अब ये हमने कैलकुलेट दरअसल क्यों किया है, शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट एंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमें चाहिए बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू क्या होता है? मिनिमम ऑफ शेयरिंग एंड बेयरिंग। तो बेयरिंग कितना है? 98.4, एंड शेयरिंग कितना है? शेयरिंग का आंसर आया था यहाँ पर 90.54। ठीक है, 90.54, दोनों भी किलो न्यूटन में, ठीक है, उतना आप समझ सकते हो। तो यहाँ से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम इक्वल्स टू 90.54, जो कि है किलो न्यूटन में। ये अपनी है बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू इक्वल टू 90.54। अब देखो बोल्ट वैल्यू हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? डिजाइन लोड या फिर फैक्टर लोड, एक ही चीज होता है, ठीक है, डिजाइन लोड या फिर फैक्टर लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में रख दो, तो नंबर ऑफ बोल्ट इक्वल्स टू डिजाइन लोड। देखो क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर बोला था ना, डिजाइन लोड आपको कैलकुलेट करना होता है, सर्विस लोड नहीं, डिजाइन लोड चाहिए होता है, जो कि है 300 किलो न्यूटन। तो 300 अपॉन अपॉन बोल्ट वैल्यू कितना आया? 90.54, 90.54। तो इसको सॉल्व करो, आपको नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड मिल जाएगा 300 अपॉन 90.54, दिस विल गिव यू 3.31। ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट इक्वल्स टू 3.31, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ लेते हैं 4 बोल्ट्स। डिजाइन है डबल कवर बट जॉइंट, अभी तक क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, डिजाइन करना है पूरा डबल कवर बट जॉइंट को। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ बोल्ट्स मिल गए, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स हम लोग कैसे लगाएंगे? 4 बोल्ट हमको पता चल गया, अब लगा दो 4 बोल्ट कैसे लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। देखो इस तरीके से होता है, ये अपना प्लेट है और जो उसका टॉप व्यू है वो इस तरीके से दिखता है। 4 बोल्ट मतलब एक साइड में 4 बोल्ट, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 बोल्ट, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर कंसिडरिंग 2 बोल्ट्स इन ए रो, हम लोग 2 बोल्ट इन ए रो मान रहे हैं, तो ये हमारा होता है इस तरीके से, यहाँ से अपना लोड लगेगा, डिजाइन लोड इस तरीके से 4 बोल्ट लगेंगे इस तरीके से, यहाँ पर 4 बोल्ट और यहाँ पर 4 बोल्ट, और हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि 2 बोल्ट हम लोग एक रो में लगा रहे हैं। तो यहाँ से अब आपको मिल गया, देखो आपने बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट किया, आपने शेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट किया, लेकिन क्या आपने टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट को कैलकुलेट किया? नहीं, क्योंकि ये डबल कवर बट जॉइंट है, जब भी डबल कवर बट जॉइंट होता है हमको शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना है, एंड टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट भी कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट भी कैलकुलेट करना होता है डबल कवर बट जॉइंट में, बस आपको लैप जॉइंट में
टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट नहीं कैलकुलेट करना होता, क्योंकि लैप जॉइंट में हम लोग प्लेट नहीं लगाते। तो फॉर्मूला टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट, लेकिन यहाँ पर जो ए एन होता है उसका भी एक अपना अलग सा फॉर्मूला होता है। देखो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हो, ए एन हम लोग चेन बोल्टिंग कर रहे हैं, तो ए एन का फॉर्मूला होता है बी माइनस एन डी नॉट और होल मल्टीप्लाई में टी। तो यहाँ पर हमारा चेन बोल्टिंग है, तो यहाँ पर से हमारा ए एन इक्वल्स टू बी माइनस एन डी नॉट और ये होल मल्टीप्लाई में होता है टी मिनिमम के साथ। तो साथ में रख देंगे फॉर्मूले में सबको हम लोग। अच्छे तो सबसे पहले यहाँ पर बी को पता कर लो, बी कितना है। तो विड्थ अपने को क्वेश्चन में गिवन था, विड्थ देखो 300 यहाँ पर गिवन है, डी नॉट देखो यहाँ पर 22 है, बी 300, डी नॉट 22, बचता है एन। तो बता देता हूँ मैं एन क्या है, पहले बी लिख लेते हैं। तो देखो बी होता है विड्थ जो कि अपने को गिवन है 300, उसके बाद डी नॉट हमने कैलकुलेट किया जो कि है 22 mm, और इसके अलावा जो है थिकनेस, थिकनेस भी टी मिनिमम क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर देख सकते हैं टी मिनिमम इक्वल्स 12 mm, तो टी मिनिमम की जगह पर 12 mm रखना है उस फॉर्मूले में, 12 mm। अब बताओ ये एन क्या है, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ बोल्ट्स एट क्रिटिकल सेक्शन, नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन। तो आपको पहले ही बता दिया था एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, जहां से प्लेट फटने के चांसेस होते हैं वो होता है क्रिटिकल सेक्शन। तो वहां पर कितने बोल्ट्स होते हैं वो होता है हमारा नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पर कहाँ पर प्लेट फटने के चांसेस होंगे, तो देखो ये है हमारा क्रिटिकल सेक्शन। देयरफॉर एन इक्वल्स टू टू नंबर ऑफ बोल्ट्स एट क्रिटिकल सेक्शन। तो सब कुछ मिल गया, और इसको टी डी एन के फॉर्मूले में रख दो, टी डी एन इक्वल्स टू 0.9 इंटू ए एन। तो ए एन हम साथ में रख देंगे, ए एन के फॉर्मूले को इसको साथ में रख दो सबको, बी इक्वल्स टू 300, 300 उसके बाद क्या है माइनस एन, माइनस एन, एन कितना है 2 इंटू डी नॉट, डी नॉट कितना है 22, यहाँ पर रख दो 22, और ये होल मल्टीप्लाई में थिकनेस के साथ है, होल मल्टीप्लाई बाय टी, टी इक्वल्स टू 12, ठीक है। और यहाँ पर एक कंप्लीट ब्रैकेट खत्म, मतलब यहाँ पर आना चाहिए था दो ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया हमारा ए एन के जगह पर पूरा ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया इंटू एफ यू। अब एफ यू क्या होता है, देखो एफ यू हम लोग यहाँ पर अज्यूम किया था एफ यू इक्वल्स टू 410, वो चीज वहां पर रख दो, एफ यू इक्वल्स टू 410 अपॉन गामा एम एल, तो होता है 1.25। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपको टी डी एन मिल जाएगा। देखो आंसर आता है 906854, ठीक है 906854 करेक्ट है, एक बार चेक करने दो 906854, ठीक है 906854। ये भी न्यूटन में आएगा क्योंकि 410 इसका जो यूनिट था वो था न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन चाहिए हमको किलो न्यूटन में, तो 1 2 3, तो यहाँ से मिलेगा 906.85 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया आपका टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट। एक और चीज यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है जिसको बोला जाता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ड्यू टू यील्ड, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ड्यू टू यील्ड, ठीक है। ये एक और एडिशनल टर्म आ जाता है इसमें, जिसका फॉर्मूला होता है टी डी जी इक्वल्स टू ए जी मल्टीप्लाई बाय एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो, ठीक है। ये गामा एम जीरो है ना कि गामा एम एल, ठीक है, गामा एम जीरो अलग होता है। तो यहाँ पर मैं एक एक वर्ड आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज क्या है। ए जी इक्वल्स टू बी इंटू टी होता है, मतलब विड्थ इंटू थिकनेस, ए जी इक्वल्स टू बी इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर जो गामा एम जीरो है ना उसकी वैल्यू होती है 1.1, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.1। और ये जो एफ वाई है, एफ वाई होता है
ये है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब बताओ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कहाँ से निकालेंगे? Fe410, ये तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर देख सकते हो आप Fe410, अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 410, तो जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है उसका 250 होता है। ठीक है, तो वही चीज आपको वहां पर रखनी है। तो यहाँ पर अपने को क्या रखना है, Fy की जगह पर यील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, जो कि होता है 250। फॉर भी लिख देता हूं मैं Fe410। Fe410 के ग्रेड के लिए 250 होता है Fy की वैल्यू। तो सब कुछ आपको पता है, यहाँ से B इंटू टी, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे B है विड्थ 300 और थिकनेस है 12, और Fy गामा M0 सब कुछ है, खाली उसको फॉर्मूले में रखना है। फाइनल यहाँ से मिल जाएगा हमको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ड्यू टू यील्ड, तो टी डी जी, ठीक है, ये जी है, ये वाई नहीं है, ये जी है, इसके फॉर्मूले रख दो। Ag की जगह पर B इंटू टी रखना है, तो B कितना है 300 और T कितना है 12, वो चीज रख दो यहाँ पर 300 इंटू 12। उसके बाद इंटू Fy, Fy की जगह पर रखना है 250 अपॉन गामा M0 की जगह पर रखेंगे हम लोग 1.1, यहाँ पर रखना है 1.1, यहाँ से आपको T डी जी मिल जाएगा। आता है 8181, 81.81, 1 2 3, 3 बार 8181 है, 8181, 81.81। तो आंसर आया वो किलो न्यूटन में है कि न्यूटन में है, यहाँ पर तो हमने 250 लिया है, अब ये 250 किलो न्यूटन में है कि न्यूटन में है, ध्यान से देखो। यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर Fe410 ग्रेड के लिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है 410, जो कि MPa में होता है, लेकिन उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है 250, वो भी MPa में होता है। MPa का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है वो न्यूटन में आई है, लेकिन हमको न्यूटन में नहीं चाहिए होता, हमको पूरा का पूरा आंसर किलो न्यूटन में लेके जाना है। तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, 1 2 3 पॉइंट किसका दो, 8 1 8, 8 1 8 के बाद क्या बचा, 0.18, 0.18, ठीक है, 8 1 8, 0.18 किलो न्यूटन। तो ये है आपका आंसर, जो कि है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ड्यू टू यील्ड। आपके सारे आंसर्स हो गए, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ड्यू टू यील्ड का आंसर है 8 1 8, 0.18 किलो न्यूटन, टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट का आंसर है 906.85 किलो न्यूटन, नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने लगेंगे, 4 बोल्ट लगेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। अगर इसको हमको व्यू बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा डबल कवर बट जॉइंट है, इसका इस तरीके से हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और सामने से देखेंगे तो हमको 2 बोल्ट ही दिखेंगे, सामने से देखने पर हमको 2 बोल्ट दिखेंगे, ये पहला बोल्ट, ये दूसरा बोल्ट, यहाँ पर भी पहला बोल्ट और दूसरा बोल्ट, क्योंकि हम लोग ने एक रो में 2 बोल्ट को माना है, ठीक है, एक रो में हमारे 2 बोल्ट है। तो ये हो गया आपका डबल कवर बट जॉइंट पूरा का पूरा डिजाइन। और यहाँ पर हमको बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का आंसर आया था 98.4, शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का आंसर आया था 90.54 किलो न्यूटन। तो पूरा का पूरा सोल्यूशन पार्ट कंप्लीट होता है। तो एक बार मैं आपको सारा स्लो मोशन में स्क्रॉल कर देता हूँ, जहाँ पर आपको रुक के पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।